माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्षी एकता करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि विपक्षी एकता करके और प्रधानमंत्री जी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं? भाई पहले तो ये वो लोग तय कर लेना कि पीएम का चेहरा कौन बनेगा। इतना विपक्षी एकता हो रहा है कि उनको खुद ही नहीं कन्फ्यूजन है कि फेस कौन बनेगा, राहुल गांधी जी बनेंगे कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी बनेंगे कि ममता बनर्जी बनेंगी कि कौन बनेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तो एक सीट है और लड़ाई इतनी ज़्यादा उनकी है, तो पहले आपसी तालमेल तो सुलझ कर ले वो लोग कि बनेगा कौन पीएम, फेस किसका होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को टक्कर देने के लिए विपक्षी इतने सारे लोग मिलके एक पार्टी को एनडीए को मतलब टक्कर देने की बात कर रहे, तो सोचिए ना कि वो अपने आप में ही कितने कमज़ोर हैं। और अभी तक उनका तय कहाँ हुआ है कि फेस कौन है? माननीय मोदी जी को छोड़ के कोई भी प्रधानमंत्री के लिए उचित न था और ना अभी 10 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं है। वैकेंसी नहीं है? नो, वैकेंसी है ही नहीं। ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, हम आगे तो हम आगे, तो लड़ने दीजिए, कुछ होने वाला थोड़े है। माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी जी के बीच में है, क्या वो गठबंधन 2025 तक चलेगा? भाई 2024 तक नहीं चलेगा, आप ये बात लिख लीजिए। 25 तो बड़ी दूर की बात आप बोल रहे हैं, 2024 तक ही नहीं चल पाएगा। यहाँ कौन सा इन लोग में आप महागठबंधन में सुलझा हुआ चीज़ है, आपस में ही भिड़ रहे हैं लोग। इस वक्त हमारे साथ आरएलजेपी की महिला नेत्री डॉक्टर स्मिता हैं, आइए इनसे बात करते हैं। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप संक्षेप में अपना परिचय दीजिए। जी, मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, डॉक्टर स्मिता शर्मा मेरा शुभ नाम हुआ। आप कब से इस पार्टी में अपनी सेवाएं दे रही हैं? मैं इस पार्टी में अभी करीब, जब से ये पार्टी दो भागों में बटी थी, लोक जनशक्ति पार्टी, उसके बाद से मैं माननीय मंत्री जी के साथ कंटिन्यू हूँ। ये बताइए कि आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए का हिस्सा हैं कि नहीं? प्रत्यक्ष रूप से ही एनडीए का हिस्सा है, अप्रत्यक्ष रूप से तो सवाल ही नहीं उठता है भाई। एनडीए का अगर कोई हिस्सा यहाँ है तो सिर्फ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। और चचा जी कहाँ हैं? चचा जी अभी हाजीपुर गए हुए थे, लालगंज गए हुए थे। हमारे पार्टी के एक राष्ट्रीय सचिव थे पासवान जी, उनका बहुत बुरी तरीके से मतलब हत्या कर दिया गया है, जिसके ये पे घाट पर वो गए हुए थे। ये बताइए मैडम कि 2024 को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? 2024 में जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है उसमें हमारी एनडीए 40 सीटों पे विजय प्राप्त करे, और इसी के तैयारी में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का हर एक प्रकोष्ठ, ये नहीं कि सिर्फ महिला प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, जितने भी हम लोग तमाम कार्यकर्ता हैं, महिला हो, युवा हो, गार्जियन हो, हम लोग बहुत मजबूती से लगे हुए हैं। और कुछ दिन पहले ही मैंने प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी की बैठक भी रखी थी, जो बिहार के 3800 जिला की जिला अध्यक्ष यहाँ उपस्थित थी, और हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है ताकि बूथ स्तर तक सिर्फ हमारे पुरुष भाई ही नहीं बल्कि महिलाएं भी बूथ स्तर पर, जो मोदी जी कहते हैं कि हर बूथ स्तर पर 10 महिलाएं होनी चाहिए, तो हमारी तैयारी उसी तरह से हर बूथ स्तर पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की 10 महिलाएं खड़ी रहेंगी। महिलाएं खड़ी रहेंगी, महिलाओं को मौका मिलेगा आपके इस 2024 के चुनाव में, महिलाओं की सहभागिता बढ़ेगी, सीटों की संख्या की वैसे ही रहेगी? जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा महिलाओं के लिए आगे बढ़कर बहुत कुछ कर रहे हैं, और इस बार तो उन्होंने खुलकर भी ये कहा कि उनके मतलब हम लोग सशक्तिकरण की बात हमेशा करते हैं लेकिन अब जो है महिला के नेतृत्व में सशक्तिकरण महिलाओं का होगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे है कि 50% जो आबादी है हमारी महिलाओं को, उसको बराबर की हिस्सेदारी दी जाएगी। मैडम आप सरकार में हैं और बिहार में जैसा कि आप देख रही हैं कि शिक्षक लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और रोजगार को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं एनडीए पे, माननीय प्रधानमंत्री जी पे, तो इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, हमारे अभी कल ही हमारे हाजीपुर में प्रोग्राम था और एक रोजगार मेला के थ्रू 71,000 लोगों को रोजगार दिया गया, तो हमारी केंद्र सरकार तो हमेशा कर रही है, अगर ये सवाल हो तो राज्य सरकार से किया जाए। जो 34 साल एक तरफ माननीय नीतीश कुमार जी इधर 17-18 साल से रहे, माननीय मुख्यमंत्री रहे, उसके पहले लालू जी की सरकार थी, आप बताइए वो लोग यहीं के बेटे होके और यहीं की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। हमारे युवा भाई रोजगार बेरोजगारी में जी रहे हैं, लोग बाहर जाके रोजगार करते पलायन कर रहे हैं, तो ये तो इनसे पूछे राज्य सरकार से। ये लोग 10 लाख रोजगार की बात किए थे अभी जब उन्होंने महागठबंधन के साथ सरकार बनाई, तो उन्होंने किया क्या? सरकार की बात है तो मैडम
आप भी सरकार का हिस्सा हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, तो केंद्र में सरकार होने के नाते आपकी भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, तो क्या आप केंद्र से इस बात का अप्रोच नहीं करते हैं कि बिहार में भी वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएँ, वैसी व्यवस्थाएँ बनाई जाए ताकि यहाँ के लोगों को बाहर न जाना पड़े? हमारे माननीय मंत्री जी हों या हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रिंस राज जी हों, जो सदन में हमेशा बिहार के लिए हमेशा आवाज़ उठाने का काम किए हैं और आगे इस कार्य को बढ़ाने के लिए कि इसमें प्रगति हो, विकास हो, इसीलिए हम लोग इस पर चाहते हैं कि भाई बहुत मौका दे लिया इन लोगों को, अब NDA की सरकार आए यहाँ पे। मैडम, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्षी एकता करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि विपक्षी एकता करके और प्रधानमंत्री जी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं? भाई पहले तो ये वो लोग तय कर लेना कि PM का चेहरा कौन बनेगा। इतना विपक्षी एकता हो रहा है कि उनको खुद ही नहीं कन्फ्यूजन है कि फेस कौन बनेगा, राहुल गांधी जी बनेंगे कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी बनेंगे कि ममता बनर्जी बनेंगी कि कौन बनेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तो एक सीट है और लड़ाई इतनी ज़्यादा उनकी है, तो पहले आपसी तालमेल तो सुलझ कर ले वो लोग कि बनेगा कौन PM, फेस किसका होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को टक्कर देने के लिए विपक्षी इतने सारे लोग मिलके एक पार्टी को NDA को मतलब टक्कर देने की बात कर रहे, तो सोचिए ना कि वो अपने आप में ही कितने कमज़ोर हैं। और अभी तक उनका तय कहाँ हुआ है कि फेस कौन है? क्या आपको लगता है कि भारत में कोई फेस है भी? माननीय मोदी जी को छोड़ के कोई भी प्रधानमंत्री के लिए उचित न था और ना अभी 10 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं है। वैकेंसी नहीं है? वैकेंसी है ही नहीं, ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, हम आगे तो हम आगे, तो लड़ने दीजिए, कुछ होने वाला थोड़े है इससे। 2025 तक जो ये गठबंधन है, आपको क्या लगता है ये चल पाएगा कि नहीं? महागठबंधन की बात कर रहे हैं? बिहार के गठबंधन की बात कर रहे हैं जो माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी जी के बीच में है, क्या वो गठबंधन 2025 तक चलेगा? भाई 2024 तक नहीं चलेगा, आप ये बात लिख लीजिए। 25 तो बड़ी दूर की बात आप बोल रहे हैं, 2024 तक ही नहीं चल पाएगा। यहाँ कौन सा इन लोग में आप महागठबंधन में सुलझा हुआ चीज़ है? आपस में ही भिड़ रहे हैं लोग, यहाँ ये दिक्कत है। हमारे यहाँ तो NDA में हमारी पार्टी जो है हमारे मतलब BJP के प्रति मतलब समर्पित है, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति समर्पित हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे सारे कार्यकर्ता हनुमान बने हुए, तो आज वो हो रहा है। वहाँ तो देखिए इतने लोग हैं, 7 घटक है ना उसमें, इतने लोग हैं, आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है उन लोगों का। 2024 तक ही कहानी देखिएगा ना, लोकसभा पहले से ही बहुत कुछ हो जाएगा। 2024 को लेकर सीटों के लिए आपकी बातचीत हुई है, उतने ही सीट मिलेंगे या फिर बढ़ेंगे या घटेंगे, कुछ ऐसी बातें हैं? देखिए ये तो नेतृत्व का जो भी फैसला हो, और इसमें मैं इतना ही कहूँगी कि भविष्य के गर्भ में बहुत कुछ छुपा हुआ है, आने वाले वक्त में इस चीज़ के बारे में जानकारी आप लोग सबको मिल जाएगी। अगर विपक्ष माननीय नीतीश जी को विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा बनाती है, तो ऐसा नहीं लगता है कि बिहार की तरफ से एक सिंपैथी वोट जाएगा उनको? नहीं, इसलिए नहीं जाएगा कि हम लोग जो देखिए उनकी काम की सराहना मैं करती हूँ, क्योंकि 2005 से दशक के बीच में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम यहाँ किया, जिस तरह से लाइन एंड ऑर्डर जो समाज के समस्याओं से जुड़ा हुआ होता है, उस चीज़ों को उन्होंने बहुत कुछ सुधार किया, क्योंकि 90 के दशक में हम लोग जंगल राज से गुजरे हुए थे और उनको बिल्कुल उन्होंने सुधार कर दिया था। लेकिन अब फिर उसी चीज़ को हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आप देखिए ना, हमारे कर्मठ नेता को दिन दहाड़े गोलियां मार दी गई, ये क्या है? ये जंगल राज पार्ट 2 ही तो हम लोग देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी उस गठबंधन में चले गए जहाँ जिस गठबंधन को जो मतलब महागठबंधन जो जंगल राज कहा जाता था, उस जंगल राज को वो फिर से वापस लाने चले गए। तो हम दुख इस बात का है कि हम लोग उनका वो चेहरा देखे थे कि बिहार में विकास हो रहा था, लेकिन आज फिर से कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो बेबस हैं, लाचार हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं उन चीज़ों को। उनके अंदर वो क्षमता है लेकिन वो कर नहीं पा रहे, तो मुझे लगता है कि वो महागठबंधन में जाकर वो अपनी मतलब जो अस्तित्व है, उनकी जो पहचान छवि जो बनी थी जनता के नज़र में, वो धूमिल हो रही है। जैसा कि लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता ने NDA को झोली भर के प्यार दिया, तो जनता ये भी सोच सकती है और ये भी कह सकती है कि अगर हम किसी अन्य प्रांत के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएं, बनाया है हमने, तो अपने प्रांत के व्यक्ति को क्यों न बनाएं? आप बिहार की जनता से अभी जाकर पूछिए
जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं हमारे बिहार में, क्या वो लोग नीतीश जी के सपोर्ट में हैं? आप महिलाओं से जाकर पूछिए, जिस महिला का 50% महिलाओं की, जो नारी सशक्तिकरण की बात करते थे, काम भी किया उन्होंने, लेकिन फिर अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? आज शराबबंदी किसके लिए हुआ था? महिलाओं के लिए, कि भाई जो गरीब लोग हैं, जो कमाते हैं, वो शराब पीकर ये करते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं, प्रताड़ना करते हैं, लेकिन शराबबंदी जो कानून है वो पूरी तरह विफल है। आए दिन हमारे भाई मर रहे हैं, या फिर हमेशा देखिए वही चीज़ है, और शराब मिल भी रहा, तो महिलाएं फिर से तो वही चीज़ों का शिकार हो रही हैं। फिर से हमारी महिलाओं को, दलित महिलाओं को देखिए, 2-3 जगह घटनाएं घटी जिसमें महिलाओं को मतलब शोषण करके और फिर मार दिया गया, तो फिर से महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, फिर से उन चीज़ों में उलझ रही हैं। तो अब महिलाएं, वो आबादी का जो स्वाभिमान था उनका, वो ख़त्म हो जाएगा। शराबबंदी को लेकर आपने बात कही है, इस बात से आप इत्तेफाक रखती हैं कि नहीं कि शराबबंदी एक सफल नहीं हो पाया, लेकिन एक बेहतर प्रयास था उनके द्वारा कि शराबबंदी की जाए, लोगों को नशा से दूर किया जाए, ये एक उनका सार्थक प्रयास था, भले ही धरातल पर उसको लागू नहीं कर पाए। किसी भी नियम को जमीन पर लागू करना वहाँ की प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और वहाँ के लोगों की भी भागीदारी होती है, तो कहीं ना कहीं इसमें स्थानीय लोगों का उनको समर्थन नहीं मिला, क्योंकि जो दारू पहले दुकानों में बिकती थी अब वो होम डिलीवरी हो रही है। क्या कहिएगा इस पे? एक बात बताइए, आपने बिल्कुल सही कहा, शराबबंदी के पक्ष में सर्वदलीय ये मीटिंग हुई थी और सर्वदलीय बैठक में पास किया गया था ये कानून, बहुत अच्छी थी। मैं तो वही चाहती हूँ, बिहार को नशा मुक्त बनाना, वो बनाए, लेकिन पूरी तरह से विफल हो गई। अब विफल जब हमारा हो रहा है, जब हम देख रहे हैं कि जो शराब पीने की जिनकी लत है वो जहरीली शराबों से मर रहे हैं, पहले ये संख्या और अभी के संख्या में बहुत डिफरेंसेस आ गया, तो वो लत तो छूट नहीं रही है। लेकिन एक बात बताइए, जो आप कह रहे हैं कि जनता में या जो समाज के लोगों ने, तो एक बात बताइए कि जो आए दिन जिनको पकड़ा जा रहा है वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो शराब बेचते हैं, या वो लोग जो शराब पीते हैं या नहीं पीते हैं? आज ना जाने जेल में जाइए तो कितने हजारों हजार की संख्या में गरीब गुरबा जो लोग हैं, हमारे गरीब भाइयों को उठाता है प्रशासन, डाल देता है, क्या भाई तो यहाँ पकड़ाया गया भाई। इतना जब कानून एक्टिव है हमारे बिहार राज्य में, तो फिर ये शराब कहीं से, वो आसमान से भगवान तो नहीं दे रहे होंगे, कहीं ना कहीं से लाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर वो विफल है। और वो किसके अंडर में है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अंडर में है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी महागठबंधन में जाकर अपने आप को बेबस और लाचार कर लिए हैं, जो कुछ नहीं कर पा रहे। दल बदल को छोड़ दिया जाए तो बाकी एक उनकी ईमानदार छवि रही है। मैंने अभी कहा ना, 2005 से दशक में हम लोगों ने जो उनका चेहरा देखा, देखिए जो काम अगर किए हैं उसकी सराहना तो हम लोग करेंगे, लेकिन अब जैसे जैसे उनका डिसीजन जो गलत हो रहा है वो जनता के फेवर में ना लेके सिर्फ अपने बारे में अगर सोचेंगे, तो हमारा तो वो माननीय मुख्यमंत्री के जी का जो चेहरा था वो तो धूमिल हो गया। वो नीतीश सरकार हम लोगों को देखने को कहाँ मिल रही है अब। हमारे साथ थी डॉक्टर स्मिता शर्मा जी, आपने अपना समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।